हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओप्पो का F17। फ्रेंड, ये ओप्पो का F17 है जिसमें पासवर्ड लॉक लग गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें पासवर्ड लॉक लग गया है। इसमें मैंने जो पासवर्ड लॉक लगाया था वह मैं भूल गया हूँ, और जब मैं यहाँ पर कोई भी दूसरा पासवर्ड डालता हूँ तो वह रॉन्ग आता है। तो पासवर्ड लॉक हो या पैटर्न लॉक हो, दोनों को आज हम लॉक करके दिखाएंगे, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। तो ये पावर बटन है, इसे हम लोग दबा देंगे। ठीक है, ठीक से नहीं दबा, फिर से ट्राई करते हैं। तो पावर बटन हम लोग दबा दिए हैं, अब यहाँ पर पावर ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसे हम लोग स्लाइड करके इस फ़ोन को ऑफ़ कर देंगे। अब हमारा फ़ोन ऑफ हो गया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये है वॉल्यूम अप बटन, ये है वॉल्यूम डाउन बटन, और इस साइड में है पावर बटन। तो हम लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन को दबा के पावर बटन को प्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम डाउन बटन हम लोग दबा दिए, उसके बाद जाके पावर बटन दबा दिए। जैसे यहाँ पर ओप्पो लिख के आएगा, पावर बटन छोड़ देंगे। आ गया, अब पावर बटन छोड़ दिए, लेकिन वॉल्यूम डाउन बटन को इसी तरह दबाए रखना है। जैसे यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा तो हम लोग वॉल्यूम डाउन बटन को भी छोड़ देंगे। जब तक ऑप्शंस ना आ जाए तब तक हम लोग वेट करेंगे, तो समय लग रहा है, वेट करेंगे। ठीक है, आ गया, अब वॉल्यूम डाउन बटन को भी हम लोग छोड़ दिए। अब यहाँ हमारे डिस्प्ले पर इस तरह से शो करने लगेगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पर टाइप करेंगे। चलिए टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका खुल जाएगा, ये रिकवरी मोड है। यहाँ तीसरे नंबर में आप देखिएगा तो आपको दिखेगा वाइप डाटा, तो हम लोग को वाइप डाटा पे टैप कर देना है। चलिए टैप कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको खुल जाएगा वाइप डाटा। ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर में लिखा है वाइप डाटा और नीचे लिखा है फॉर्मेट डाटा। तो हम लोग क्या करना है, फॉर्मेट डाटा पर टैप कर देना है। चलिए टैप कर देते हैं। जैसे टैप करेंगे यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांगेगा, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड लॉक नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर वेरिफिकेशन कोड, और कोड भी लिखा हुआ है, प्लीज़ इंटर वेरिफिकेशन कोड और कोड भी लिखा हुआ है। यही कोड को हम लोग को यहाँ पर डालना है। चलिए डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है वो कोड को हम लोग यहाँ डाल देंगे। जैसे कोड डालेंगे यहाँ पर लिख के आएगा फॉर्मेट डाटा, और यहाँ लिखा है ऑल यूज डाटा विल बी रीसेट। तो यहाँ फॉर्मेट लिखा है, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट होने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है, हो गया, यहाँ लिखा हुआ है वाइप्ड सक्सेसफुली, तो ओके लिखा हुआ है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। तो हमारा फ़ोन जो है वो रिबूट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 से 6-7 मिनट लग सकते हैं। तो जब तक हमारा फ़ोन खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए तब तक हम लोग को वेट करना है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से और सरल तरीका से कर सकते हैं। फ्रेंड, यह हार्ड रीसेट हो जाने के बाद अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंस जाते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पे जाए वीडियो के लिंक पे क्लिक करें और वीडियो को देख के अपने फ़ोन का लॉक अनलॉक करें। उसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगा। फ्रेंड, अब हमारा मोबाइल खुलने वाला है, मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा भगा दिया हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थोड़ी देर के बाद हमारा फ़ोन इसी तरह से खुल जाएगा। अब हम लोग यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करके स्टेप बाय स्टेप जाके अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। अगर आप गूगल अकाउंट लॉक में फंसते हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। थैंक यू दोस्तों।